हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिस बैन ममाज ब्लॉग। तो गाइस, आपको पता है आज कौन आया मेरे घर पे? मैं आपको बताती हूँ कौन आया है। नहीं तो आई आज शिफा, और शिफा मेरे लिए लाई है बहुत सारे गिफ्ट। एक मैंने वहां पर रख दिया, एक ये कैंडल, हाँ ये लाइए, वाओ, मिसबा और मम्मा है। हाँ, इसमें मिसबा और मम्मा है और इतना क्यूट लग रहा है। और लाइए मेरे लिए कैंडल स्टैंड, और एक क्या लाया हो शिफा? टी शर्ट वो तो जरूर आएगा। यस, उसमें मिसबा और मैं दोनों फिट हो जाएंगे। हाँ, यस लग रहा है। शिफा को फिर भी डाउट था मेरा वजन देखकर। मैं इसको कॉल पे बोल रही हूँ, हेलो ब्रो, तुम्हारी साइज क्या है? तुम एक्सेल पहनते हो ना? बोलती नहीं, मैं डबल एक्सेल पहनती हूँ। ये ट्रिपल लेकर आई है। लेकिन नहीं, अंकल ने एक्सेल के उसमें। हाँ, वेरी नाइस। तो गाइस, शिफा लाई है मेरे लिए बहुत ही अच्छी टी शर्ट और कैंडल स्टैंड और एक गिफ्ट। और कुछ लाए ना लाए, इसके दुबई का मैंने कवर ढाप लिया है, वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी। हाँ, अभी तो वही फोन में लगा हुआ है, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और शिफा, तुम क्या खाओगे बोलो? बटर चिकन। हाँ, क्योंकि हमारा पहले डिसाइडेड था। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन, और मैंने सोचा क्यों ना मैं शिफा के लिए जब बटर चिकन बना रही हूँ तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो गाइस, अभी चलते हैं बटर चिकन बनाते हैं और फिर खाते वक्त मजे लेकर आपको बताते हैं। तो गाइस, मैं शिफा को दिखाने जा रही हूँ अपना घर। ये चलो आ जाओ। ये कपड़े सुखाने की जगह है, ये वार्डरोब रूम है, या कपड़े इस्त्री करने वाले कपड़े, या बनाया मेरा वॉकिंग वार्डरोब, इट इज माय ड्रीम, है ना? लेकिन अपने घर पे बनाने का, भाड़े के घर पे की बताओ। राइट, एग्जैक्टली। मेरी मम्मी भी यही बोलते हैं कि अपने घर पे खर्चा करो, रेंट वाले घर पे खर्चा बिल्कुल नहीं करो, इसलिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। यस, है ना? इसलिए मैं होम टूर इसलिए नहीं दे रही हूं, मैंने बहुत ज्यादा अपने घर में कुछ काम नहीं करवाई हूं, थोड़ा जैसे घर रहता है वैसे ही। मैं अभी हम लोग चेंज करने वाले, उसमें लगाएगी शिफा होम टूर। यस, कैसा लग रहा है शिफा? देखो, है ना? फ्रॉम 1 BHK टू 2 BHK। यस, यू आर ग्रोइंग ब्रो। यस ब्रो, टैंग टैंग। अभी मैं उल्टा लिविंग रूम दिखा रही हूँ, और मैं स्लीपिंग हियर। और शिफा, ये अगरबत्ती का स्टैंड है, अभी अगरबत्ती हो गई खत्म। तो देखो, ये पार्ट देखकर मेरे पुराने घर की याद आनी चाहिए, इसीलिए ये पार्ट ऐसे ही रखा गया है ना? और वो देख रहे हैं मेरी अल्लाह मोहम्मद की फ्रेम, है ना? बटन चालू करोगे तो अच्छा लगेगा। ये लेकिन अभी तुम बहुत डाक दिख रहे, बंद कर दो, है ना? पैंपर्स मस्त है ना? मक्खी मैं लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे लिए, जब तुम मेरे लिए इतना लाया तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यस यस, डेफिनेटली। अभी तो ये फोल्ड हो गए मॉइस्ट की वजह से, तुम्हारे लिए अच्छा बड़ा वाला लेकर आऊंगी। वाह, सुपरमैन। ये अब भी लाई, इसकी जगह वहाँ है, वहाँ पर रखूंगी मैं अच्छे से। चलो अब बटर चिकन बनाते हैं। तो गाइस, शिफा जब कुरकुरे लाई है वो मैं खा रही हूँ, क्योंकि ये भी भूखी है, लेकिन मैं ज्यादा भूखी हूँ, बना रही हूँ। मैं खुद भी खा चुकी हूँ एक। मैं अभी आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या रेडी करके रखा है। चिकन बॉईल करके रख दिया है, बिरिस्ता बना कर रखा है, ओके, और कांदा टमाटर ये कटवा कर रखा है, ये अभी इसमें जाएगा, ओके, है ना? तो ये करीबन आधा किलो चिकन है, तो इसमें 4 कांदा 4 टमाटर और 2 बड़े कांदे का या 3 कांदे का बिरिस्ता है। हाँ, बरिस्ता बोलते हैं या बिरिस्ता, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, सबकी अलग अलग भाषा है, जबान है। और इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। टेबलस्पून नहीं डाला तुमने, तुमने ज्यादा डाला है, ये झूठ मत बोलो लोगों को। हाँ, और इसमें डाल देते हैं ये, और इसको ना कटे हुए टमाटर और कांदे डाल देते हैं गाइस उसमें। इन शॉर्ट, मुझे लग रहा है मैं सिर्फ खाना बनाना सीख रही हूँ आज। आई थिंक सीखना भी चाहिए थोड़ा सा बेसिक। yes. अगर आपको बटर चिकन खाने का मन किया और सब रेस्टोरेंट बंद रहे तो क्या करोगे? तो इतना इजी क्विक है, देखो मैं बता रही हूँ। बताओ क्विक एंड इजी बटर चिकन।
देखो काजू भी जाने वाला है गाइस उसमें। ओ माय गॉड गाइस, इसमें आएगा 8 से 10 काजू। मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ गाइस, बताओ तुम्हें बताती हूँ ब्रो। गाइस मैंने 7th स्टैंडर्ड में ना वो बनाई थी, क्या बोलते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, शामी कबाब। मैंने कल तुम्हें भी पूछी थी, चलो कल शाम ट्राई कर रही थी कि मैं बनाऊं, एंड मुझे आती थी रेसिपी। मैं दोपहर में 12 बजे बैठी थी बनाने, ठीक है, और मैं शाम को 5 बजे उठी थी बनाकर। मतलब सोचो मैं इतना, मतलब जाहिर सी बात है बहुत छोटी थी गाइस मैं, और बहुत टेस्टी बने थे। तो गाइस कल शिवा मिलने शामी कबाब बना रही है यहाँ 12 से 5। मैं लाइव रहूंगी अगर आपको देखना है। तो बहुत अच्छे भी बने थे ब्रो, तो छोटी उम्र में बनाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है मतलब। तो गाइज मैंने चिकन श्रेड करके रख दिया है और ये भी मेरा हो चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी मिक्सर में, और मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने बता दिया है 4 कांदा, 4 टमाटर और 11-12 काजू इसमें डाल दिया। अब ये पीसा जाएगा और उसके बाद ये है चिकन जो श्रेड हो चुका है, और उसके बाद का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सो इसमें तेल जा रहा है अभी गाइस, मैंने डाल दिया है 4 चम्मच तेल। तुमने इसको पीसे ही नहीं, किसको? ये कब हुआ? जब आप बाहर बैठी थी, थ्रेड नया जो आया है, थ्रेड थ्रेड, हाँ थ्रेड थ्रेड थ्रेड। अब इसमें जा रहा है बटर, हाँ, लेकिन इसमें अभी फिलहाल इतना ही बटर जाएगा, ऊपर से और बटर जाएगा। गाइस देखिए मैं चीजें प्लीज कर दिया है, तो बटर मेल्ट हो रहा है। तो गाइस जिसने ऑनियन फ्राई किया था वही ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ इसमें जाएगा शाह जीरा या नॉर्मल जीरा भी आप डाल सकते हैं। तुम्हारे हर चीज में बटर रहता है ना? बटर चिकन में बटर नहीं रहेगा। सॉरी बैड क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। तो भाई शाह जीरा जैसे ही हो रहा है, ये मैं डाल दूंगी पेस्ट, और इसको भूनने रख दूंगी। ये आधा नमक डाले, नमक नमक अभी नमक अभी नहीं डालूंगी। तो ये चला गया गाइस पेस्ट, यस, और ये मसाला भून रहा है। तो बच्चे में हम पानी डाल के डालूंगी गाइस, ये मत सोचना कि वेस्ट कर दूंगी। वेस्ट नहीं करते हम लोग कुछ, यस, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं गाइस, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे जब पानी डालने की बारी आएगी तब ये डालूंगी। क्या बोलते शिफा? यस है ना, लेकिन ये फिर कच्चा रह जाएगा ना, पानी पकेगा ना और भी डालना। तो गाइस इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, और ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो बहुत उसी की स्मेल आएगी, तो बस 1 ही चम्मच डालेंगे गाइस। तो गाइस ये पक चुका है, इसका भुना स्मेल निकल चुका है। जैसे आपका टमाटो अनियन और कैश्यू नट का पेस्ट का भुना स्मेल निकल जाएगा, उसमें अदरक लहसुन ऐड कर दी थी मैंने बस, और कुछ ऐड नहीं की थी अभी। और बिरिस्ता मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ना, मतलब समझ लो ये मैंने ज्यादा भी रिश्ता बनाकर रखा था अपने लिए, तो 2 ऑनियन का भी हिस्सा इसमें ऐड कर लिया है, बिग ऑनियन का बस। और अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे धीमी आंच पर ताकि भी रिश्ता एकदम मेल्ट हो जाएंगे। कैरेमलाइज, लुक एट द ब्यूटी, यस, बटर चिकन। गाइस बाहर बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है, हाँ यहाँ से नहीं दिखेगा। ये देखो एक और एक वॉशिंग मशीन, याद होते हो क्या कपड़े, क्या बात कर रहे हो, बारिश हो रही है गाइस, ये मौसम ही अलग होता है ब्रो। तुमको मेरे को वो बना के खिलाना पड़ेगा, क्या भजिए, कल चीज बॉल, यस, बारिश में विद कॉफी, आई डोंट ड्रिंक टी, यस, ओके, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट ब्रो, तुमको ब्रेकफास्ट ऑन बेड मिलेगा। बस मैं जल्दी उठ जाऊंगा, अगर तुम पहले उठोगे तो बेड से उतरना मत। ठीक है मैं बेड पे ही रहूंगी। तो गाइस अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 किलो में, ये मैं आधा पैकेट डाल रही हूँ, ये 200 ग्राम का फुल पैकेट होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये डाल रहे हो तो मैं 1/2 किलो में आधा पैकेट डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। क्या था वो?
ये है सुहाना बटर चिकन मसाला। बटर चिकन मसाला था, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मुझे सुहाना की हर मसाला अच्छा लगता है, मैं उसी का मसाला लाती हूँ। ये ऐड नहीं है बस, फिर भी बोल रहे हैं। अनपेड कोलैबोरेशन है ये। यस, नॉट स्पॉन्सर्ड। नॉट स्पॉन्सर्ड। अब जैसे ये मसाला डाल दिया है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं और क्या डालूंगी। बापरे, तीखा कम, तीखा कम। नहीं नहीं, चिकन मसाला ये। ओके, ये बिल्कुल तीखा नहीं। मुझे लगा कि देखो ना, इसने कोई और उसमें डाली, आई थिंक रेड है ना, तो मुझे लगा ओ माय गॉड। मैंने ये भी दो टेबल स्पून डाल दिया है। yes, क्या ये चिकन मसाला? ओके, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हो, मैं एवरेस्ट का यूज करती हूँ। ओके, और फिर चिकन तंदूरी मसाला भी डालना है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। वो मेरे मैया किन्ना सो जिन्ना सो, इसको गाना भी नहीं आता गाइस। फाइनली महमूद भाई उठ गए 5 घंटे बाद। कैसा लग रहा है? ऐसे पता है कि मैं बहुत थक जाता हूँ। हाँ, मेरी मम्मी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, बोल रहे थे कि महमूद की फैन हूँ मैं। मैंने बोली क्यों? तो बोले ऐसा आदमी सबको मिले। लाख लाख शुक्रिया। बटर चिकन फॉर शिफा मेमन। यस, लेकिन तुम भी खा सकते हो। मैं खा सकता हूँ ना? हाँ, तुम मालूम पड़ा है शिफा को दे। अब आ रही है खुशबू चिकन की। हाँ, मतलब चिकन ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आ रही है। तो गाइस, इसमें मैंने सब मसाले डाल दिए हैं और मम्मा ने अभी महमूद भाई अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैं रोज करता हूँ अपना काम, कि मैंने कैमरा पकड़ लिया हूँ। देखो मैं रोज करता हूँ, जैसे मैं कैमरा पकड़ लिया हूँ। और लोग दोनों अपने पुराने फ्रेंड्स मिल चुके हैं। ओके, और शिफा के लिए बन रहा है खास बटर चिकन। मैं भी थोड़ा हेल्प कर रही हूँ दिखाने के लिए कि मैं कुक कर सकती हूँ। किसी को भी बटर चिकन बनाने के लिए घर पे हेल्प चाहिए, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए शिफा मेमन एंड मिसबा खान को। तो भाई, अभी मैं डाल रही हूँ चिकन 65 मसाला। ये मेरी मुर्गी वाले के पास मिलता है, मेरी मुर्गी, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये मैं लेकर आती हूँ। अगर आपके पास कोई भी 65 का मसाला है, तो थोड़ा सा आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। वाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग ये जो बना रहे हो इसको बेच रहे हो? नहीं नहीं, बेच नहीं रहे हम लोग, ये नॉट स्पॉन्सर्ड है। हम लोग ने पहले ही बोल दिए थे स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस ये। तो गाइस चलो, इन लोग जब तक बनाते हैं, मैं थोड़ा सा अपना चाय का मजा ले लेता हूँ। सॉरी, चाय नहीं बनी है, क्योंकि तुम गलत हो गया है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, चलो खुद ही चाय बना लेते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मिसबा चाय बना देगी। तो मिसबा चाय रख दो मेरे लिए। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोग डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला बस ठीक हो जाता है। थोड़ा और डाल दो बस है। अगर आप थोड़ा सा और मैं डालना चाहूंगी, क्योंकि हम क्रीम डालेंगे तो और ठीक होगा। ये ऐसा नहीं है गाइस, क्या होता है मालूम है क्या? जब कोई चीज में, जब शेफ, जो बड़ा शेफ होता है, थोड़ा सा पानी डालता है ना, तो छोटा शेफ क्या करता है ना, मैं भी थोड़ा हाथ मिटा लेता हूँ उसके अंदर। तो मिसबा ने अभी यही किया है। एक बात बोलूं, ये चम्मच मुझसे ज्यादा बड़ा है। मैं पकड़ लूं ना तो मेरे साथ में तेजी मिल रही है। तो गाइस, जब आप पानी डालिए तो प्लीज फास्ट गैस पर ही पकाइए थोड़ा। महमूद भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हैं। महमूद भाई को रोज मिलता है ना अलग अलग खाना, कुछ खाते ही नहीं है महमूद। ये बात तो है, मैं क्या नहीं खाता भाई, खाते झूठ मत बोलो, मैंने ब्लॉग देखे। और मेरे लिए एक उंगली का खेल है चम्मच। इस बार तेरे लिए एक उंगली, तेरी ये उंगली का खेल मैं हूँ, तो चम्मच है। सही बात, समझ रही है? सही बात। तो फिर दिल की बात बोल रहे थे ना। तो फीलिंग भावना ही जाते। शिफा जरा टेस्ट करके देखो कैसा है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। नमक डाले हो क्या ब्रो? खा पहले टेस्ट करो फिर डालूंगी ना। अच्छा, बिना नमक? नमक की कम जरूरत है इसमें। नमक की सही बोल रही हूँ, इसमें गाइस नमक की कम जरूरत है। और भी क्यों कम जरूरत है, अब पूछूंगा मैं शिफा से। मेरे को पूछो, क्योंकि देखो हम लोग ने इसमें ऑलरेडी बटर डाले थे, और जो स्पाइसेस डाले थे ना, जो ये बता रही थी मैंने ये मसाला डाला ये, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता है, तो
नमक की कमी जरूरत नहीं। तो गाइस अभी इससे समझ गए होगे ना तुम। तो गाइस ये आत्मकथा थी नमक की कम होने की। गाइस जैसे मुझे बटर चिकन रेड ही अच्छा लगता है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया है कलर, और अभी ये काफी ठीक है तो इसमें मैं और पानी डाल रही हूँ। गाइस शिफा प्लीज थोड़ा पानी दोगे? और कहाँ से? नल से, यही वाले। थैंक यू गाइस, मैं शिफा को सिखा रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। क्या सिखा रहे हो तुम मुझे? खाना बनाना। मैं तुमको बताई उसमें नमक, शिफा ने आत्मकथा बताई है नमक की। और बोलते मैं शिफा को सिखा, क्या मिलता मुझे ऐसा लग रहा है इसमें चिकन डालने की जरूरत है क्योंकि ये पूरा लग रहा है होटल वाला चिकन, बटर चिकन लग रहा है। थैंक गॉड कलर से अभी खाके भी देखेंगे हम लोग। कोयला क्यों लाना है वो तुमको बाद में पता चलेगा कि कोयला क्यों काम आता है। फटाक्ष लाना है क्योंकि शिफा बहुत भूखी है। क्या हो गया? काम में काम बढ़ गया। क्या कर रही है? इसके लिए मैं बोलती हूँ जब खाना बनाओ तो कोई आओ मत, चाय दो, पानी दो, कॉफी दो प्लीज। तो मैं भी वहाँ थोड़ी आया हूँ मैं कि कैंटीन में आया हूँ कि चाय दो पानी दो। डबल काम उसको खोल के भी करना पड़ेगा तुमको, उसके अंदर भी है। तो गाइस मिसबा ने मेरी चाय गिरा दी है और चाय बची कि नहीं? थोड़ी सी बची है क्योंकि मैं बनाने तो वाली नहीं हूँ, तुम जानते हो। उसको खोल के भी करोगे? यस। तो देखो फ्रेंड फ्रेंड होता है वो। शिफा अपनी काम वाली से देखो कैसा काम कराती रहेगी। नहीं हम लोग काम वाली बहुत अच्छी है। चलो चाय अभी गरम हो रही है, चाय पी लेते हैं। चलते हैं ताकि कोयला लेके आते हैं। कोयला लेके आने का रीजन मुझे पता है क्यों लाना है, क्योंकि कोयला का जो वो होता है क्या होता है मिसबा? क्या क्या कोयला का? हाँ कोयला का जो फ्लेवर होता है ना वो इस पे भाप दिया जाता है। तो वो जो स्मेल अच्छी है, जो स्मेल है शिफा, जो तुम्हारे तुम्हारे वजह से जो हम लोग मेरे जो लालच आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज आओ। देखो इसमें अभी क्रीम डाल रही है मिसबा। हां गाइस देखो भूल जाती है बोलना, मैं याद दिलाऊंगी उसको। कोई बात नहीं, इसके अंदर जा रहा है इसलिए मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाता है गाइस, क्योंकि मैं हर चीज बताती हूँ। तो गाइस शिफा का व्लॉग जरूर देखिए, जरूर देखिए। शिफा बहुत बड़े और बहुत अच्छे कंटेंट दे रही है। मत दे वो लोग ब्रो, क्योंकि वो लोग बेचारे आके बैठे हैं और मैं डालती हूँ महीने में दो व्लॉग। आज मत बोलो। नहीं लेकिन जो भी व्लॉग आया वो जरूर देखिए, वो अच्छा बनता है। और इसमें क्रीम जा चुकी है और इसको पकने देते, थोड़ा मेल्ट होने देते। गाइस मैं सोच रही हूँ मैं खारगर शिफ्ट हो जाऊँ, क्या बोलते हो आप लोग? गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए। मिस शिफा का कॉल 2 बजे रात में आता है और मैं जब 2 बजे सोता हूँ शिफा का कॉल 5:30 बजे तक चलते रहता है जब मैं ऑफिस चले जाता हूँ। मेरा 2 बजे क्यों आता है मैं बताती हूँ, क्योंकि मिसबा का आता है दिन में मुझे कॉल, तो मैं उसका उठा नहीं पाती हूँ। तो जब मैं फ्री होती ना रात में तब मैं उसको कॉल करती हूँ कि ब्रो हाँ तुम्हारा कॉल आया था, बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शिफा पूछती है बताओ क्या चल रहा है, तो 3:30 घंटे तक क्या चलता है आज तक मुझे भी नहीं पता है। हाँ मिसबा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं दुबई में थी, मैं दुबई में फंस गई थी, सब 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 बताते रहते हो। गाइस शिफा चिकन डाल चुकी है बटर चिकन में, कहती है मैं ही डालूंगी चिकन, मैं ही डालूंगी चिकन। मैंने बोला ठीक है डाल लो। तो गाइस अभी इसमें हमने चिकन डाल दिया है, अब इसको अच्छे से हिला रहे हैं। यस उसके बाद आपको दिखाते हैं। मैं कोयला लेके आ गया हूँ और ये मिसबा उसको गरम कर रही है और ये भी रख दिया है तवा। बटर निकल चुका है जैसे बम की गोली की तरह। और ये आपको एक चीज दिखाता हूँ गाइस, ये देखो ये आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है गाइस, ये इतनी खूबसूरत चीज जो बनने वाली है नान। तो गाइज आज हम लोग ने प्लानिंग किया है कि आज बटर चिकन नान सब हम लोग घर पे बनाएंगे, क्योंकि शिफा बाहर का खाना नहीं खाती है। अच्छा सब उसकी स्टोरी पर देख ही लेते। शिफा बाहर का खाना जरा भी नहीं खाती है, डाइट फॉलो कर रही है गाइज। तो
आज इसको प्रॉपरली हम लोग डाइट का हम लोग बना के खिला रहे हैं। और ये गया नान तवे में, ओ माशाल्लाह। Yes. नान की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नान की रेसिपी चाहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी दूसरे ब्लॉग में, आ जाइए दिखा दूंगा। सही बात है। और शिफा उधर बैठ के कमेंट कर रही है, कमेंट फ्री। ब्रो इधर आओ, मैं बताती हूँ तुमको मुझे ये चाहिए। शिफा को क्या चाहिए? सब मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपना वॉकिंग वार्डरोब बनाऊँ बहुत जल्द। ओ तो गाइस शिफा को ये चाहिए माशाल्लाह। तो मिसबा एकदम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, घर की बहू की तरह। और ये दोनों जेठानी की, जालिम जेठानी की तरह। हाँ, तो हमारा काम ही वही है कि हम लोग मस्त में थाट में एसी में बैठ के खाना खाए, तो तुम क्या बोलती हो? हाँ। तो गाइस ये हमारा बन गया है नान, छोटा छोटा प्यारा प्यारा नान, इतना मस्त लग रहा है। तो मिसबा ये कोयला पूरा गर्म करके क्या करेगी? वो जो जला रही है वो बगाड़ूंगी, वो भी दिखाओ मेरा, मेन तो वही का दिखाना है। ओके तो चलो गाइस ये आप तो देख चुके हो, अभी जब कोयला गर्म होगा तो आपको हम लोग दिखाएंगे दूसरा की कोयला के साथ क्या होने वाला है। गाइस मेरे को भी देखने है। तो गाइस कोयला हम लोग ने इसलिए लाए थे, अभी ये कोयले का कमाल देखो गाइस। कोयला जल गया मिसबा? नहीं नहीं, काला काला तो हो गया। उतना जल गया। तो गाइस बटर चिकन में हम पहले बनाएंगे एक कटोरी और इसकी, और इसमें डालेंगे कोयला। और ये मैंने हंडी इसके लिए ली है क्योंकि इससे वो पूरा ढक जाएगा। ऐसी ही चीज लेना कि बिल्कुल पूरा ढक जाए, और बिल्कुल बटर इसमें डालकर इसका थोड़ा बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? क्या खुशबू आ रही यार। हाँ, इसने बनाया है मुजस्सिमा, ये मुजस्सिमा का हाथ कलम की दिया जाए। तो गाइस चलो बटर चिकन बन चुका है, नान भी बन गया है। ये नान इतना छोटा क्यों है? मिनी नान बन गया। तो ये मिनी नान बन चुका है, तो मिसबा एक निवाले में इसको एक खाती है। ओके तो हम लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, फिर देखते हैं टेस्ट कैसा है और हमारा रिएक्शन कैसा निकलता है। तो गाइस शिफा का खाना लग चुका है और ये पहला निवाला बन गया है। और ये मजा ही आ गया यार, लज्जत ही अलग है। तो मिसबा मेरे को शिफा का मुंह देख के समझ में आ गया, उसका रिएक्शन देख के समझ में आ गया कि फटाफट मुझे भी खाना निकालो और मैं खाना खाऊं। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, शिफा का दूसरा निवाला चल रहा है, मिसबा फटाफट खाना निकालो मेरे को भी फटाफट। तो चलो गाइस मैं भी खाना खा लेता हूँ। बटर, मैं बिना बटर के खाती हूँ, मैं ये खाएंगे। तो गाइस मेरा भी खाना आ चुका है और देखते हैं कैसा बना है, इसको ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा लेते हैं और चलाने वाला करते हैं। लाजवाब मिसबा, आई लव यू, लाजवाब। तो गाइस मैं और शिफा खाना खा ले रहे हैं, मिसबा भी तो खाना बना रही है, तो जब वो खाना खाएगी हम लोग दोनों देख लेंगे उसका मुंह। गाइस फाइनली इन लोग की गाड़ी की स्मेल जा चुकी है। ऐसा नहीं है, नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने और फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम घूमने। ये सुफियान के लिए लाई हूँ मैं, क्योंकि इन लोग का सब बटर चिकन है। ओ यस, बटर बटर बटर, अरे भाग खुल गए। मेरे को पसंद है इसलिए बनाई इसने। चलो हो गया ना भाई, इनकी भी साथ में चांदी हो गई। मेरे साथ धोखेबाजी हो रही है, फन बॉल्स है या नहीं है? अरे बात हो गई आज, बिलाल भाई नहीं बोल रहे भाई, दो ना। चलो ब्रो बाय, अल्लाह हाफिज। यस चलो मम्मा। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, कैरम खेल के बहुत थक गए हैं और शिफा इधर ही रुकने वाली है, तो मिसबा और शिफा अंदर सो गए। और आज का दिन तो मज़ा आ गया क्योंकि बटर चिकन बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही मज़ा आ गया। तो गाइस चलो वीडियो करते हैं इधर एंड। तो प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।